आपको नई जगह दिखा रहा हूँ, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। यह है वीरू फौजी एकेडमी भगतपुरा का मेन गेट, और अब इसमें करते हैं प्रवेश। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आप वीरू फौजी एकेडमी और यहाँ होने वाली गतिविधियाँ, एक्सरसाइज कब कब होती है। प्रवेश अपने कर लिया है, प्रवेश गेट पे, ये पहले मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ प्रवेश की एंट्री होने के बाद में आगे चलते हैं और आपको बिल्डिंग दिखाते हैं, मेन बिल्डिंग। ये ट्रैक है यहाँ का, 1600 मीटर का जो ट्रैक है, दौड़ी जाती है आर्मी में। इस तरफ पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ का ट्रैक है ये। ये मेन बिल्डिंग है जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, मेन बिल्डिंग आपको मैं दिखाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ होने वाली एक्सरसाइजें मैं दिखाऊंगा। अगर आपने भी आर्मी का सपना ले रखा है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप घर पे करो या किसी एकेडमी में करो। ये जो समय आप गंवा देते हो इधर उधर घूमने में, बिल्कुल भी बेफिजूल आप समय ख़राब ना करें। अभी एक्सरसाइज चल रही है, मेरी बात हुई है वीरू फौजी सर से और एक्सरसाइज का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह यहाँ एक्सरसाइज होती है। शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम में एक्सरसाइज जो हो रही है वो दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। यह है वीरू फौजी एकेडमी की बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग है। बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल, 3 माला हॉस्टल है। और यह ऑफिस है, इसके चारों तरफ ये ग्राउंड बना हुआ है और ग्राउंड के अंदर यहाँ प्रैक्टिस शाम सुबह दोनों टाइम करवाते हैं। आपको चेस पूरा का पूरा फिंगर पे रखना है, समझ में आ गई? गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में, पीछे से जो बॉडी है आपकी उठी हुई होनी चाहिए, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। रेडियो सब? यस सर। दोनों पैरों के मध्य गैप नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 फीट होना चाहिए आपका जम। पैर देखो दोनों सीधे हैं कि नहीं है? कहाँ से आप? पंजाब फाजिल का। थोड़ा तेज बोलो। पंजाब से हूँ, फाजिलका शहर से, अनुराग कुमार नाम। कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ गुरु जी मेरे को 1 महीना हो गया और 8 किलो वजन भी कम हो गया मेरा। 1 महीने में 8 किलो वजन कम कर लिया? और रेस में क्या हुआ? रेस में देखो गुरु जी बोलते कि मुझे मोटे हैं, उनको शूट वगैरह लगानी चाहिए, सिर्फ रनिंग करो और पेट की एक्सरसाइज करो, तो वो करते हैं। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ आने के बाद? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ा है यहाँ आने के बाद? मतलब जो एचओएल है वही बताना, ये नहीं कि वीडियो बन रहा है इसलिए। स्टैमिना अच्छा बन गया, कभी 10-12 किलोमीटर दौड़ा नहीं तो यहाँ पर आके दौड़ना।
यानी पहले दौड़ा ही नहीं जाता था, अब यहाँ के दौड़ना चालू कर दिया है। नहीं घर पे भी दौड़ते थे पर मतलब उतना जीता है यहाँ। हाँ अच्छा हुआ, मतलब यानी स्पीड बढ़ी है यहाँ, स्पीड बढ़ी है, स्टैमिना अच्छा है। मैंने आपको दिखाई है एक्सरसाइज किस तरह यहाँ करते हैं, हार्ड तोड़ एक्सरसाइज यहाँ चलती है शाम और सुबह, और डेली रूटीन इनका रहता है, वीकली रूटीन रहता है, वीकली रूटीन के हिसाब से यहाँ एक्सरसाइज चलती है। सैटरडे को शायद यहाँ लॉन्ग कंट्री जिसको बोलते हैं 10 किलोमीटर तक की दौड़ यहाँ करवाते हैं। तो आपको भी एक्सरसाइज अगर करनी है तो ज़रूर किसी एकेडमी को ज्वाइन करो, और आर्मी में अगर भर्ती होना है, आर्मी का जो सपना देख रहे हैं उसको इस तरह की एकेडमी ज़रूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। घर पे अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, घर पे तैयारी नहीं कर रहे हो, नहीं हो पा रही है, अगर ग्रुप आपका 5 साल का नहीं बन रहा है तो आप ज़रूर एकेडमी में ज्वाइन करें। यहाँ की एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लिंक दे दूँगा, और इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर वगैरह आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो मैंने वीरू सर की अनुपस्थिति में बनाया, जो भी सच्चाई थी वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस एकेडमी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट करके मेरे को बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।